वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बता सकते हैं ये किससे बात कर रहा होगा, कौन है वो शख्स। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिक जाएगा माटी के मूल। जगह की ग्रेवी बना रहे हैं हम, मच्छी के पकौड़े बना रहे हैं। पकौड़ी नहीं, मैं मच्छी का ग्रेवी वाला बना रहा हूँ। मैं मुकेश रावत सौका। हेलो दगड़ियो, आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्ते पहला। और आज वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ मैं सुबह से, सुबह के 10 बज रहे हैं और यहाँ 2-3 दिन से बारिश ही हो रही है, अभी भी बारिश ही हो रही है। मैं छाता लेके चल रहा हूँ, अभी मैं जुगल के साथ जा रहा हूँ दुकान की तरफ, तो मिलते हैं, अभी बुलाता हूँ उसको भी, चलते हैं फिर दुकान की तरफ। थोड़ा आज की ब्लॉगिंग दुकान पर ही करता हूँ, तो अभी हम जा रहे हैं दुकान की तरफ सिंह रावत भी, और हम चल रहे हैं अभी दोनों छाता लेके। हमने कहा आज पैदल ही चलते हैं, बारिश का थोड़ा मज़ा लिया जाए, और क्योंकि ब्लॉगिंग आज दुकान पे ही होगी। देख सकते हैं आप, बारिश बड़ी भयंकर हो रही, 2-3 दिन से लगातार ही चल रही है। आपको शायद याद होगा पिछले साल भी ऐसी ही तीन चार दिन लगातार बारिश हुई थी, उस टाइम तो बहुत ही भयंकर हो गया था, और आज भी हो रही है 3 दिन से बारिश। तो चलते हैं फिर आगे की तरफ, पैदल यात्रा करते हैं, काफ़ी दिनों बाद पैदल जा रहा हूँ, तो चलते हैं फिर। अब चुप चुप के फ़ोन पे बात कर रहा है, देख लो कैसे, और बता भी रहा है कि मेरी वीडियो बना रहा है करके। भाई मैं बता दूं तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बता सकते हैं कि ये किससे बात कर रहा होगा, कौन है वो शख्स जिससे ये छाते के नीचे चुप चुप के बातें कर रहा है। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव की दुकान में, दिखाता हूं अभी दुकान। यह है हमारे गांव की दुकान, महेश दा की दुकान। महेश दा को मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा पहली वीडियो में, तो इनकी दुकान है जनरल स्टोर, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, सारे गांव की सुविधा है। ये दुकान है और इधर है चक्की, ये हमारा गांव की दुकान है, इधर सब कुछ चक्की आटा चक्की। हेलो दगड़ियो, नमस्ते, मनोज सिंह रावत जी पहुंच चुके हैं, आप सभी को हमारा प्रणाम नमस्ते पलक। ये है हमारी चक्की, इसमें निकलता है तेल, और ये आटे की चक्की, ये है धान, इसमें धान जाके चावल निकलता है। देख सकते हैं अभी अभी यहाँ लगता है अंतरिक्ष से एक एलियन नीचे उतरा हुआ है ऐसा लग रहा है। बरसात के मौसम में गाना गा के सुनाएंगे सभी को, शुरू हो जाओ। मामू बोलो बिक जाएगा माटी के मूल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। अभी सुबह डाल दिया। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा भिंती ये मैं तो गिरा है अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह है अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तो दुकान से मैं अभी पहुंच चुका हूं घर, और बारिश अभी तक रुकी भी नहीं है, तो मिलता हूं फिर मैं आपसे थोड़ी देर में। अब तो इस वक्त मैं सीधे गांव से डैम में पहुंच रखा हूं, आज है शुभम का बर्थडे जो मैंने आपको रामलीला में भी दिखाया होगा, तो अभी मिलता हूं मैं उससे। तो सामने टेबल वेबलें लग गई हैं, मुकेश सिंह कोरंगा और ये भाई भी बैठे हैं दोनों लोग, पूरी टेबलें सजा रखी हैं, थोड़ी देर में बस महफिल सजने वाली यहाँ पर भी, मिलते हैं फिर अभी। तो जैसा मैंने बताया था शुभम का बर्थडे आज, शुभम को आपने पहले भी देखा होगा रामलीला में मेरे साथ, इसने बहुत अच्छी व्लॉगिंग करी थी, और आज इसका बर्थडे है, तो इसको फ़ोन करके तो मैंने पहले बधाई दे दी थी, अब दोबारा से इसको एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद मामू, धन्यवाद। साथ में है जय छोटा भाई, और ये गुड्डू भाई, और ये मुकेश कोरंगा जी, और ये भाई भी है सूरज भाई, सब दिख रहे हैं यार। तो टेबल तो सज चुकी है, बस अब मंगाते हैं फिर खाने वाने का, फिर करते हैं पार्टी, फिर मिलते हैं आपसे, फिर दिखाते थोड़ा डांस वांस भी आज, हाँ? क्या क्या होता है, फिर मिलते हैं फिर आगे। अब ये है मच्छी के पकौड़े, ये अपने उस्ताद है, बड़े उस्ताद के गांव के बच्चे हैं, और ये मुर्गे की ग्रेवी बना रहे हैं हम, मच्छी के पकौड़े बना रहे हैं। पकौड़ी नहीं, मैं मच्छी का ग्रेवी वाला बना रहा हूँ। मैं मुकेश रावत सौका।
मैं गोकुल गोस्वामी ब्लेड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट फरसाड़ी से बोल रहा हूँ। फरसाड़ी से बोल रहे हैं, ये बन रहे हैं क्या क्या रखा है मुर्गे ग्रेवी मच्छी की मुर्गी की बन रही है ये मच्छी। अच्छा मच्छी चलो गलती हो गई इनको पूरी समझ नहीं। पहले डिसाइड कर लो भैया मुर्गे की मच्छी की है। मच्छी के बारे में बताओ ना कि मच्छी कहाँ से पकड़ी कैसे काटी ये मछली कहाँ की मछली है डाम में कौन जाए वहाँ डाम में कूद के निकाली है बाप रे कौन जाए वहाँ डाम में। तो देख सकते हैं ये मुर्गे की गरीब हो रही है यार वहाँ पटाते कह रहे हैं लाओ ये मछली फ्राई हो रही है लाओ। तो कल रात में मैं भी टाइम से घर आ गया था और ज़्यादा वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी कैमरे की और चार्जर का कुछ जुगाड़ था नहीं वहाँ पे चार्जिंग का और लाइट भी नहीं थी वहाँ पे इन्वर्टर से चल रहा था उसके बाद फिर लाइट भी चली गई थी। तो तीन चार दिन की बारिश के बाद आज देख सकते हैं आप धूप आ गई है एकदम चटक धूप है और इसी के साथ फिर ये ब्लॉग वहीं पर ख़त्म करता हूँ और बहुत जल्द मिलूँगा मैं आपसे नए सफ़र में। और मतलब काफ़ी सालों से मेरी तमन्ना थी वहाँ जाने की तो मैं अब आपको जो मेरी अगली जो वीडियो शुरू करूँगा तो मैं दिखाऊँगा मैं कहाँ गया हूँ। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द ही अपने अगले ब्लॉग में।